इस वक्त हम केयरपुरम होसकोटे हाईवे में हैं। यहाँ से हमें होसकोटे व्हाइटफील्ड रोड में टर्न लेना है। सामने ब्रिगेड सिग्नेचर टावर और यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से हमें होसकोटे व्हाइटफील्ड रोड में टर्न लेना है। अभी दिवाली आ रही है, इसलिए यहाँ के आसपास के फार्मर्स जो हैं वो बहुत सारे फ्लावर्स आप देख सकते हैं रोड के साइड में लाकर सेल कर रहे हैं। IITPL रोड में टर्न लेंगे। अब आप पार्क राइट साइड रोड के देख सकते हैं। अगर आप महादेवपुरा हुडी सर्कल होते आते हैं तो आपको ये लेफ्ट साइड में मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं स्माइलिंग रोड्स। आज हम आए हैं काठगोड़ी फॉरेस्ट ट्री पार्क, तो चलिए ट्री पार्क के अंदर चलते हैं और देखते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पार्किंग के लिए इनफ स्पेस अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये जस्ट रोड से जैसे ही आप एंटर होंगे इमिडिएटली पार्किंग है और एज ऑफ नाउ पार्किंग फी एप्लीकेबल नहीं है, ये फ्री है। और यहाँ तक कि पार्क के अंदर का जो एंट्रेंस है वहाँ जाने के लिए भी आपको कोई फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है। लेट्स गो इनसाइड। जैसे ही हम अंदर आते हैं आपको यहाँ पर कुछ साइन बोर्ड लगे मिल जाते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस पार्क, ओपन एरिया जिम, एक्यूपंचर वॉक, गजीबो या इंसेक्ट होटल। इसके आगे ही डू एंड डोंट का भी बोर्ड लगा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। और जस्ट इसके सामने पार्क का कंप्लीट मैप लगा हुआ है, इसमें आप देख पाएंगे कि ये जो भी फैसिलिटीज़ है वो किस लोकेशन में पार्क के सेंटर में ही अवेलेबल है। यहाँ पर एक और बात, आप ट्रीज़ के नाम भी आप जान पाएंगे। ये हमारे नॉलेज को और इन्हेंस कर देगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ट्रीज़ के नाम। यूजुअली हमें कुछ ही ट्रीज़ के नाम जैसे पीपल, बरगद ही पता है ज़्यादातर। एवोकाडो फ्रूट तो आपने देखा होगा, मैंने भी इसका ट्री कभी नहीं देखा था। ये छोटा पौधा है, ये अभी और बड़ा होगा। ये पार्क जॉगिंग करने के लिए या वॉक करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें आपको ट्रीज के बारे में और यहाँ पर आने वाले बर्ड्स के बारे में जानकारी मिलेगी। हम पहुँच चुके हैं गजीबो।
गजीबो को जस्ट सामने ही आपको इंसेक्ट होटल जो कि बनाया गया है बग हाउस वो मिलेगा। यहाँ पर बोर्ड में आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो ऐसे बर्ड जो ज़्यादातर देखे जा सकते हैं उन बर्ड्स का जो यहाँ पर डिटेल आपको मिलेगा। चलिए गजीबो के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ गजीबो में आपको एक सिटिंग एरिया बनाया गया है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे जो हैं झाड़ियाँ लगाई हुई हैं, कलरफुल ट्रीज लगाए हुए हैं। गजीबो को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर आप इजीली कुछ समय बिता सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इतनी ग्रीनरी देकर कहीं भी ग्रास में बैठ मत जाइए, यहाँ कुछ इंसेक्ट जो है वो बाहर भी घूमते रहते हैं। इस इंसेक्ट होटल में अगर आपको रूम चाहिए तो प्री बुकिंग करनी पड़ेगी। इंसेक्ट देखने की कोशिश की, यहाँ पर हमें कुछ मिले नहीं। कुछ थे जो कि मेन गेट पर वेलकम करने के लिए गैदर हुए थे। पार्क जो है बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया है और पार्क की टाइमिंग अभी 6 AM to 10 AM और 4 PM to 6 PM है। पार्क की हिस्ट्री की बात करें तो 1896 में कहा जाता है मैसूर के राजा के द्वारा इसे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को प्रेजेंट एज अ गिफ्ट किया गया था। तब ये अप्रोक्सीमेट 750 acre था, बट अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टाइजेशन इतना हुआ कि अब अप्रोक्सीमेट 177 acre ही बचा हुआ है, जिसमें से 22 acre में ये पार्क बनाया गया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और जो बचा हुआ लैंड है फॉरेस्ट लैंड उसे भी सिक्योर किया जा सके। यहाँ पर जगह जगह पर डस्टबिन लगाए गए हैं ताकि गार्बेज जो भी विजिटर्स आते हैं वो इधर उधर ना फेंके। आपको इस पार्क में एक बार जरूर आना चाहिए। गजीबो के जस्ट साइड में आपको ओपन एरिया जिम, एक्यूपंचर वॉक और चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया ये भी मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें पार्क के बिल्कुल सेंटर में बनी हुई हैं।
इसलिए यहाँ पर व्हीकल्स का नॉइस थोड़ा कम आएगा। कार कभी भी वर्क इन प्रोग्रेस कंडीशन में है। रोड के बिल्कुल साइड में होने की वजह से अगर आप रोड साइड में हैं तो थोड़ा सा नॉइज ज्यादा आएगा। इस पार्क में स्नैक भी हैं तो आप कहीं भी झाड़ियों के अंदर घूमने ना चले जाइए। पार्क देखने में काफ़ी खूबसूरत है, कुछ समय आप यहाँ पर ईजली स्पेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये पार्क अच्छा लगा होगा। यहाँ के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हैं। अभी ये पार्क अंडर डेवलपमेंट में है, कम्प्लीटली ये डेवलप नहीं हुआ है। ये पार्क अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी भी काम चल रहा है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जस्ट साइड में आपका रोड है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो है वो आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन एडवांटेज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज़ के नाम आप नहीं जानते, उन पेड़ों के पौधों के, वो किस चीज़ में यूज़ होते हैं। और एक और बात है, यहाँ पर बर्ड्स भी हैं बहुत ज़्यादा, जिन्हें देखने के लिए आपको बाइनोकुलर लेकर आना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।